हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो है पेटीएम पे यूपीआई पिन को कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जनरली हम आज के टाइम में जो है यूपीआई का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। कहीं भी पेमेंट करना हो या फिर कहीं पे भी हमें कोई शॉप पे कुछ सामान लेना हो, कुछ के लिए भी जो है हम आजकल सबसे पहले जो है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने यूपीआई पिन को हमेशा अपडेट रखें, हमेशा उसको चेंज करते रहें एक इंटरवल के बाद, ताकि अगर कोई आपका यूपीआई पिन जान चुका है या फिर उसने देख लिया है तो इस चीज़ से जो है आप निकल पाए। तो यहाँ पर दोस्तों, यूपीआई पिन चेंज करने के लिए आपको अपना पेटीएम का ऐप ओपन कर लेना होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है, जिस प्रकार यहाँ पे आपको दिखता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों देखोगे कि आपका जो है, आपको यहाँ पर अपना QR कोड दिख रहा है और जस्ट उसके नीचे में आपको यहाँ पर पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, आप जैसे पेमेंट सेटिंग पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि ढेर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे भी आपको पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों, जैसे आप पहला वाला UPI या लिंक्ड बैंक अकाउंट पर क्लिक करते हो, आपको ढेर सारे नीचे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका प्राइमरी बैंक, जो भी बैंक है आपका, वो सेलेक्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो। और नीचे जो है दोस्तों, यहाँ पे चेक बैलेंस और चेंज पिन का ऑप्शन यहाँ पे आपको आ रहा है। तो दोस्तों, सेम एज इट इज आपको चेंज पिन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जैसे चेंज पिन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जो है डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट का जो है कोड मुझसे मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी बैंक इस्तेमाल करते हो और जिस बैंक के अंदर आपका ATM और डेबिट कार्ड है, वो डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट आपको यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, उसी प्रकार आपको जो है एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड पे देख के डाल देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो ये कंफर्मेशन हो रहा है और ये कंफर्मेशन जो हो रहा है आपके ICICI बैंक के थ्रू होगा या फिर जो भी बैंक आपका रजिस्टर्ड होगा, मतलब जैसे कि मेरा ICICI बैंक के साथ है अकाउंट, तो उसके थ्रू OTP कंफर्मेशन हो रहा है। उसी प्रकार आपका प्राइमरी बैंक के साथ OTP कंफर्मेशन होगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब आपको सेट 4 डिजिट UPI पिन, आपको यहाँ पर नया पिन जो है वो सेट करना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है, उसी प्रकार दोबारा मुझे डालना है। दोनों बार आपको सेम UPI पिन डालना है और आप जैसे डालते हो तो ये प्रोसेसिंग होता है और इसके बाद जो है आपका UPI पिन सक्सेसफुली चेंज हो गया है। तो दोस्तों, काफ़ी इजी है UPI पिन को चेंज करना। आप भी इसको देख के आराम से अपना UPI पिन चेंज कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।